created this channel to create memories of my Ammi Ji ki easy to prepare mazedar home recipes. This is all for your smile, so keep smiling. Make sure to subscribe, like, share, comment and enable all notifications so you never miss a video. Thanks a lot for your love and support. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी बहनों ने सवाल किया था चूल्हे के बारे में कि आप अपना चूल्हा इतना कैसे साफ रखती हैं। चूल्हा साफ़ करने का तरीका बताने जा रही हूँ कि चूल्हे को कैसे साफ रखते हैं। इससे जो आपकी हल्की आँच होती है ना, उसका भी मसला हल हो जाएगा कि आपका जो खाना गिरता है तो वो सुराख बंद हो जाते हैं, तो फिर आपकी आँच हल्की हो जाती है। तो आप ये मैं तरीका बताऊंगी, इससे वो आँच सही हो जाएगी। इस तरह गैस भी बच जाएगी, ज़ाया नहीं होगी। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। ये मैंने नाश्ता बनाया था, तो आपको पता है मेरा छोटा बेटा है तो वो मेरे साथ किचन में होता है। तो सुबह उसको मैं देख रही थी तो मेरी चाय ये देखे गिर गई है, तो मैंने फिर इसको साफ नहीं किया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जब चाय गिरी है तो मैंने फिर इसको बंद कर दिया, फिर इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं बनाई, क्योंकि मैं कोई और चीज़ इसके ऊपर बनाती ना तो ये देखे नीचे सारी चाय है। तो फिर ये ना हीट से इसने सारा वो जल जाना था। तो जब ये चाय जल जाएगी तो ज़ाहिर है आपका चूल्हा भी सारा गंदा हो जाएगा, फिर वो जितनी भी वो चाय वो नीचे जम जाएगी, फिर आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, कोई सख्त चीज़ या कोई केमिकल ऐसे जो चूल्हे को साफ़ करे। तो आप फौरन कोई चीज़ गिरी है ना तो फौरन चूल्हा बंद करके उसको फौरन पहले साफ़ करें, तो आपका चूल्हा कभी भी गंदा नहीं होगा और ना आपको इतना टाइम लगेगा चूल्हा साफ़ करने में। तो अभी चले मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे साफ़ रखना है और कैसे करना है। ये मैंने पानी ले लिया है, एक कप है। अब इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ, तकरीबन डेढ़ चम्मच है, और ये सिरका है, ये सिरका मैं डाल रही हूँ दो तीन चम्मच। ये हाफ लेमन है मेरे पास, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब कभी भी ऐसे सुबह आप नाश्ता बनाए ना, तो नाश्ता बनाने के बाद ना आप नाश्ता करने चले गए हैं तो आप चूल्हे के ऊपर इसको ना पूरे चूल्हे पे लगा दे, लगा के छोड़ दे इसको। जब आप आए किचन की सफाई वगैरह करें ना तो उस टाइम इसको फिर आप साफ कर ले, आपके लिए आसान हो जाएगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया, ये देखिए, ये देखिए आप ऐसी कोई बोतल ले ले तो उसमें भी आप डाल के ना इसको रख सकती हैं कि जैसे सुबह भी इसको दो टाइम चूल्हे को साफ करें, ये सुबह के टाइम और रात के टाइम। अब ये इसमें डाल के ये सारे ऐसे ऐसे स्प्रे हो जाती है तो आसानी से चूल्हे के ऊपर लग जाएगी। ये देखिए ऐसे कर दें, सफाई तो वैसे भी अल्लाह ताला को पसंद है, तो प्लीज़ अपना चूल्हा वगैरह ज़रूर साफ रखा करें। ये काकरोच वगैरह भी नहीं आते, नहीं तो ये यहाँ पे बाहर के मुल्कों में ना ये बड़ा मसला है कि काकरोच बड़ी जल्दी आते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैंने अभी कुछ भी नहीं, ये देखें ऐसे हाथ मारा तो ये देखें ऐसे पानी पिला रही हूँ, ये देखें साफ सारा हो गया। ये देखें इसको वो घिसने के ऐसे ऐसे, जो आप लेके कोई सख्त चीज़ ऐसे ऐसे घिसेंगी तो ज़ाहिर है आपके चूल्हे के ऊपर निशान पड़ेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें जितना भी खाना होगा ना ऊपर जमा हो, ये देखें सिरका है, नमक है और लेमन है, तो इससे ये बड़ी जल्दी साफ होता है। ये देखें मैं तो सुबह का खाना नहीं बनाती जितनी देर मेरा चूल्हा साफ ना, मुझे तो उलझन होती है। मैंने रात को इसको साफ करके सोना था कि सुबह उठूं तो मेरा चूल्हा साफ हो।
और मैं दोपहर का खाना भी पहले चूल्हा साफ करना है फिर खाना बनाना है। मैंने ऐसे कभी नहीं खाना बनाया, पहले चूल्हे को साफ करती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। ये देखें, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं अपने चूल्हे को साफ रखती हूँ ना। तो ये देखें बिल्कुल साफ हो गया है, ये देखें। तो प्लीज़ जब भी कभी आपकी कोई चीज़ घेरती है तो ये इंतज़ार ना किया करें कि अब मैं खाना पूरा बना लूँ तो एंड पे जाके इसको साफ करूँगी। तो एंड पे आप साफ करेंगी तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें जो आपके नीचे गिरी हैं वो सारी जल जाएंगी और चूल्हे के ऊपर चिपक जाएंगी। ये देखें, ये देखें, ऐसी बोतल में डाल लें तो फिर ये है कि अभी तो मैंने ऐसे ऐसे हाथों से फैलाया ना, तो आप इसमें डाल के तो इसको ऐसे ऐसे करके ना, ये देखें, तो इसमें डाल के भी ये सारे ऊपर स्प्रे कर ले, तो करके इसको छोड़ दे 10-15 मिनट ना, तो फिर देखें अपना चूल्हा। ये देखें, आप दो टाइम साफ करेंगे ना तो बिल्कुल आपका चूल्हा ऐसे ही साफ रहेगा जैसे मेरा है। तो मैं तो खाने के टाइम में जब भी कोई भी पानी भी गिरता है, कोई चीज़ भी छोटी सी भी गिरती है, तो मैं फौरन उसको साफ करती हूँ। ये देखिए हमारा चूल्हा, ये देखिए, अब उसको गौर से देखे, ये देखे, ये मेरे माशाल्लाह बर्तन भी ऐसे ही साफ रहते हैं। मैंने अपने बर्तनों को भी कभी नहीं, मैं इंशाल्लाह अपने बर्तन भी दिखाऊंगी किसी दिन, उनके भी वीडियो बना के ऐसे ही नीचे से। आप मेरे बर्तन देखेंगी ना तो कैसे जैसे उनमें खाना ही नहीं बना। अब ये देखें, ये देखें कैसे साफ है, ये देखें। तो मैंने कभी भी ना किए बर्तनों को नीचे से गंदा नहीं रहने दिया, होते ना कि नीचे वाली बाहर वाली साइड गंदी होती है, नहीं, मेरी माशाल्लाह बिल्कुल बर्तन साफ होते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ है, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो चले ठीक है, अब इजाज़त दें और आप दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।